यूपी के अमेठी में जनता की सुविधा के लिए रेलवे विभाग द्वारा बनाए गए अमेठी संग्रामपुर रेलवे अंडर पास में पानी भर जाने के कारण जनता का आवागमन बंद हो चुका है। इस आपात स्थिति में भी इधर उधर से जाना जान जोखिम में डालने का समान है। बारिश के समय में पानी भर जाने से निकासी की व्यवस्था न करना रेलवे विभाग की लापरवाही दर्शा रहा है, जबकि इस अंडरपास को बनाने में विभाग द्वारा 45 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। समस्या को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता प्रांजल तिवारी ने और उनके साथियों ने अमेठी रेलवे स्टेशन अधीक्षक रेल को रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम से एक मांग पत्र सौंप इस समस्या से निजात पाने की मांग किया है। अमेठी से समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। किस तरीके का ज्ञापन आप लोगों ने दिया है? आज हम लोगों ने यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर कालिकन रोड पे रेल लाइन बिछी हुई है, गई हुई है, उस रोड पे अंडरपास का निर्माण हुआ है और वो हर मौसम में तो चलना मुश्किल होता है, लेकिन बारिश में आप वहाँ पर पैदल भी नहीं जा सकते हो आप। ये स्थितियाँ हैं, उसी को लेके हम लोग आज माननीय रेल मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन माननीय स्टेशन अधीक्षक अमेठी जी के द्वारा भेजा है और इस पर चुस्त दुरुस्त कराने के लिए इस पर उनसे हम लोगों ने आग्रह किया है। और यहाँ की जनप्रतिनिधि जी हैं, उनका कहीं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे छात्राएं लाइन के ऊपर से आ रही हैं, ग्रामीण बच्चे बेरोजगार सब लाइन से ऊपर। ये कभी मेरी मांगे यही है, उसको जल्द से जल्द चुस्त दुरुस्त कराएं, नहीं तो वो किसी दिन बहुत ही बड़े घटने का शिकार होना हो पड़ेगा किसी को।